नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंद न्यूज। आज हम आपको ये खबर दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से। जरूरतमंदों की सेवा को समर्पित मां अन्नपूर्णा का कृपा पात्र दंपति, सालगिरह को बनाया सेवा माह। 17 माह से अनवरत कोरोना पीड़ितों की सेवा। प्रयागराज, अंधेरे को कोसने के बजाय एक दीपक जलाकर उजाला फैलाने के रास्ते पर बढ़ता एक दंपति विगत 17 माह से अनवरत कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार संगठन PWS परिवार की छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती नविता शर्मा एवं उनके पति आलोक शर्मा अपने शादी 28 अप्रैल 1996 के बाद से ही समाज के जरूरतमंदों की सेवा में लगे हैं, परंतु विशेष रूप से मार्च 2020 से वह अनवरत कोरोना पीड़ित परिवारों की सेवा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर के निवासी नविता शर्मा आलोक शर्मा की जोड़ी ने इस वर्ष अपने विवाह वर्षगांठ 28 अप्रैल 2021 के बजाय पूरे अप्रैल 2021 को ही विशेष सेवा माह के रूप में मनाया। वर्ष 2021 के पूरे अप्रैल माह में नविता शर्मा आलोक शर्मा तथा उनके बच्चों ने विशेष रूप से अपने किचन के बने स्वच्छ ताज़ा पौष्टिक भोजन कोरोना पीड़ित परिवारों तक पहुंचाने के साथ जरूरतमंद विकलांग तथा विप्र पुरोहित परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने व शहर के विभिन्न भीड़ वाले इलाकों व बस्तियों में जाकर अपने लोगों के साथ लोगों को कोरोना से बचाव हेतु जागरूक भी किया तथा समय निकालकर वृक्षारोपण करते हुए ब्लड डोनेशन भी किया है। इस परिवार ने अपने संगठन PWS परिवार द्वारा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या परिक्षेत्र के गोरसरा शुद्ध बस्ती में निर्माणाधीन परम शक्ति धाम परमेंदु शिक्षा सदन के लिए भी गुरुवार रायपुर से निधि संग्रह योगदान में सहभागिता की। आज छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत वर्ष के नवयुवकों में नविता शर्मा आलोक शर्मा की जोड़ी सामाजिक सेवा के प्रति एक आदर्श प्रेरणा स्रोत के रूप में सामने आए हैं। और हम जब गलती करेंगे तभी हमको कोरोना होगा। हम जब तक कोरोना को लेने नहीं जाएंगे तब तक कोरोना हमारे घर तक नहीं आएगा। इसलिए इतनी जागरूकता तो अब सब में आ ही जानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। मैं सबसे अपील करती हूँ और आज मैंने इनको इन्वाइट किया कि आप आर्य नगर में आके यहाँ पर बैंकों के पास बिना मास्क अभी आप निकलना शुरू कर दिए हैं। दूर में जो खतरा था हमारे ऊपर उससे हम अभी उभरे नहीं हैं। अब फिर से लोग वही गलती कर रहे हैं तो इस ये गलती न दोहराएं। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अधिक से अधिक घर में ही रहना ज्यादा सुरक्षित है। इसलिए घर से बाहर बहुत जरूरी ना हो तो ना निकले। और मास्क तो अभी भी हमारे सामने से लोग जा रहे हैं जो मास्क नहीं पहने हैं। मैं उनसे अपील करती हूँ कि सब मास्क पहन के ही बाहर निकलें और प्रशासन का सहयोग करें। ये अभियान बहुत अच्छा अभियान है। MCCR, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनिसेफ वालों का संयुक्त अभियान है। इस अभियान से जुड़कर लोग अपना सहयोग करें। धन्यवाद।